सिटी टूर के लिए अबू धाबी यहाँ से पड़ता है 130 किलोमीटर, तो एक डेढ़ घंटे की जर्नी होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द डे। एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप अबू धाबी जा रहे हैं, फिरारी वर्ल्ड जा रहे हैं, तो कोविड रिपोर्ट कंपलसरी है। मैंने पहले भी कहा था, फिर आगे कह रहा हूँ, सिर्फ दुबई घूमने आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अबू धाबी भी जाएंगे तो कोविड रिपोर्ट रख लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो यहाँ की मॉस्क है, जो ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी में, वहाँ पे जो गर्ल्स के लिए अटायर हुआ है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, तो फुल स्लीव में पूरा कवर होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ के आप रेंट भी ले सकते हैं, हमें भी अभी पता लगा। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ है कि दुबई आ रहे हो यही, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल नहीं चलते हैं, ना वीडियो कॉल होती, सिर्फ वॉइस मैसेज होते हैं। तो या तो आप इंडिया से जब आए तो रूमिंग करा कर आए इंटरनेशनल, नहीं तो यहाँ पर फिर व्हाट्सएप मैसेज से काम चलेगी, नेट भी आपके से होटल में काम करेगा, बाहर तो करेगा नहीं। तो बेस्ट ये है कि आप जो है एक इंटरनेशनल रूमिंग पैक करा लीजिए, और क्योंकि दुबई में अबू धाबी और दुबई में फ़र्क है कि अबू धाबी में सब रॉयल फैमिली रहती है, और इसलिए वहाँ के थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हैं। तो ये ध्यान रखिए, दुबई घूमने आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अबू धाबी जा रहे हैं और अगर फरारी वर्ल्ड जा रहे हैं तो कोविड रिपोर्ट करा के लिए। देखिए यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट आप सबकी, तो आपके ये होनी चाहिए। ये हम आ गए हैं मॉस्क के अंदर और एंट्रेंस पे आपसे ये चेक कर रहे हैं। देखिए ये जो मॉस्क है, मॉस्क के नीचे टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया बना रखा है। अरे मस्जिद की हमने टिकट ली थी मॉस्क की, कुछ इस तरह से टिकट है। यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है पहले, उसके बाद आपको अपनी एंट्री और कूपन लेना पड़ता है, फ्री है ये। लुक एट दिस, और ये ओके। किधर मिलना है, किधर मिलना है? यही कोस्का पे ना, ठीक है कोस्का पे मिलेंगे। अश्विना ने बुरका नशी ड्रेस पहन ली है, सुने एक बार दिखाना। तो हाँ मेरे पास है टिकट, दे कुछ इस प्रकार है यहाँ का नीचे बनाओ, बहुत ही सुंदर है। देखिए मॉस के नीचे है मार्केट, हो गया आपका ओके। ये सब फोटोज और ये सब फोटो के चाहते, ये सब पोज यूज नहीं कर सकते आप, तो ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे पीछे से हम अभी सिक्योरिटी चेक से होते हैं, हाँ हैंड का यूज़ नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। विदाउट ये मॉस्क का धीरे चालू रहेगा, एक्सीटर्स लगा रखे हैं यार, शानदार है यार मॉस्क, इतनी हाईटेक कर रखी इन लोगों ने। और बहुत ही बढ़िया है यार, देखो सब पूरा बता रखा है कैसे बनी है। और हम मॉस्क में एंटर हो रहे हैं, ये है शेख सैयद अहमद मॉस्क, पूरा नाम।
और ये सेना बहुत ही सुंदर है। शेख सैयद ग्रैंड मॉस्क यूएई की सबसे बड़ी मॉस्क है और इसको देखते ही इसका आर्किटेक्चर देखने लायक बनता है। बहुत ही सुंदर है ये मॉस्क है और ये अबू धाबी में। अगर आप दुबई से यहाँ आना चाह रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटे की जर्नी है यहाँ पे। और इसके बारे में कई कई चीज़ें हैं, जैसे कि 80 गुंबद हैं यहाँ पे टोटल, और यहाँ का जो कारपेट है वो एक ईरानियन ने बना के यहाँ के जो राजा थे उनको दिया था। और ये जो कारपेट है ये सबसे बड़ा कारपेट है वर्ल्ड का, और सोने की कारीगरी उसके ऊपर करी हुई है जो कि देखने लायक है। तो आप यहाँ आ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे आपको ज़रूर लगेगा, टाइम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ की बनावट और यहाँ की जो जिस तरह से बनाया हुआ है पूरा की पूरा स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा है। ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो आप लोग साथ में फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की फ़ोटो में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ऐसी कोई फ़ोटो ना खिंचाए क्योंकि वो मना करते थे और यहाँ अलाउ भी नहीं है। कुछ कुछ साइंस यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, मतलब वो साइंस आप फ़ोटो के वक्त नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। कपड़े अच्छे पहनिए क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली आप वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, थोड़े से अलग कपड़े यहाँ पे फुल कवर पहनने पड़ेंगे आपको। छोटी छोटी क्या लगा रखी, क्या बोलते हैं, फुटबॉल पर छोटी वाली, जहाँ से आप बेसमेंट में जा सकते हो और मस्जिद तक आ सकते हो। वैसे तो अबू धाबी दुबई में जो एक मेजर फ़र्क आपको लगेगा वो ये है कि जितना दुबई में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, अबू धाबी में वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही शांत है, ये राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी, बल्कि विलाज या घर आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, उनके परिवार यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर डेवलप करा हुआ। बाकी सेम रोडे वोडे बाकी सब चीज़ें आपको सेम मिलेगी। तो आप जब अबू धाबी का टूर लेंगे तो 2 से 3 घंटे में ये सब चीज़ें आपकी हो जाएगी, जिसमें ग्रैंड मॉस्क भी होगा, अबू धाबी के जो 2-3 मार्केट्स हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे फिरारी वर्ल्ड, और फिरारी वर्ल्ड के साथ साथ अगर आप चाहें तो वार्नर्स ब्रू भी कर सकते हैं, वो भी उसके बगल में ही है, और एक वाटर पार्क भी जो भी उसके बगल में ही है। तो हमने इन 3 चीज़ों में से फिरारी वर्ल्ड करने का सोचा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें अपने आप में एक अनोखी है और तीनों चीज़ों करने के लिए टाइम चाहिए, एक एक दिन चाहिए, तो हमारे पास इतना समय नहीं था। तो हमने कहा चलो फिरारी वर्ल्ड अभी इस बार कर लेते हैं, अगली बार जो है वार्नर्स ब्रदर या फिर वाटर पार्क कर लेंगे। और अब आर्ट गैलरी आ गए हैं यहाँ से निकल के, और कुछ इस तरीके से यहाँ की आर्ट गैलरी वही सेम है जो दुबई में आपको मिलेगी, तो यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। वो जो आप देख रहे हैं वो है एमिरेट्स पैलेस, और ये अबू धाबी, अबू धाबी है कैपिटल ऑफ यूएई, और वो वहाँ पे है जितना पास से देख सकता है, पास से दिखाने कुछ है। बाकी ये शायद ऑयल कंपनी, उसका ऑफिस है ना, कौन सी कंपनी थी ये उसका ऑफिस है। और अबू धाबी में ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखी, कम है दुबई के कंपैरिजन में, लेकिन जितनी भी है अच्छी है। ये थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा है अबू धाबी में, धूप अभी भी ज़्यादा है, बहुत तेज़ गर्मी है। फिलहाल हमारे सिटी टूर में 2-3 जगह कवर हो चुकी है, अब जा रहे हैं खजूर मार्केट, पहले गए थे मॉस्क, और अब ये, और उसके बाद आएंगे फिरारी वर्ल्ड। तो चलते हैं आगे।